चाहिए, हम लोग आंदोलन कर रहे थे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। नीतीश कुमार का ये था कि नहीं तीनों को मारना है, ये करना है। बिहार में पेपर लीक का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को छात्रों ने पटना की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया था। ये छात्र हाथों में बड़े बैनर और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे थे। अभ्यर्थी बीएसएससी सीजीएल परीक्षा की पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पहले छात्रों को यहां से समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बहुत मारा हम लोग को वहाँ पे, हम लोग शांति प्रोटेस्ट कर रहे थे। एमएस खान साहब वहाँ पे चलवा लाठी सर यहाँ है। सीएम को पता नहीं है ये क्या प्रशासन अपनी तरफ से एक्शन ले रही है? डीसीएम और डिप्टी सीएम को पता नहीं है कि हमारे ऊपर अभ्यर्थी के ऊपर इसका नीतीश कुमार का जो पुलिस है क्रूरता से बदतर है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, जा रहे थे और ये आके तड़तड़ा के मतलब लाठी बरसा दिया है, क्यों पूछता है न सूझ समझता है और मारने लगता है। छात्रों पर लाठियां बरसाने के बाद पुलिस की सफाई भी सामने आई। शांतिपूर्ण नहीं थे वे लोग, तो चकमा दे करके रूट को भी डाइवर्ट करते हुए डाक बंगला चौराहा आ गए थे और उन लोगों का प्लान फिर आगे तक जाना था। बिना अनुमति का हम लोग वैश्य उग्र प्रदर्शन को निकलने की जाने की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए हम लोग उन लोगों को पीछे धकेल दिए हैं और अभी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। किसी भी सूरत में हम लोग को उन लोगों को अलाउ नहीं करेंगे शांति व्यवस्था को भंग करने का। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इन छात्रों का कसूर था क्या जो पुलिस ने ये बर्बरता दिखा और अभ्यर्थियों के साथ ऐसा सलूक किया? बता दें कि 23 दिसंबर को प्रथम पाली में आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद आयोग ने प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी थी। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि तीनों पालियों का प्रश्न पत्र वायरल था, इसीलिए तीनों ही परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल में परीक्षा दे रहे सुपौल के परीक्षार्थी अजय, उसके भाई विजय, पटना से सॉल्वर गैंग के सदस्य सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन छात्र लगातार तीनों पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। छात्रों ने तीनों शिफ्ट की परीक्षाओं में धांधली होने का दावा भी किया था। लगभग 9 लाख उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा रद्द कर तुरंत परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि सभी को दूसरा चांस मिल सके। और जब आज एक बार फिर अभ्यर्थी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तो उनके साथ ऐसा सलूक हुआ जिसे देखकर अब हर कोई दंग है। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर इन छात्रों का कसूर था क्या?